हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज की मेरी रेसिपी है गुलकंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुलकंद हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन्हें भी पित्त दोष हो, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो और स्किन प्रॉब्लम हो, उन्हें गुलकंद का कंजप्शन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा गुलकंद खाने से हमारी मेमोरी पावर तेज होती है और आँखों की रोशनी बढ़ती है, तो इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। और गर्मियों में जिन्हें भी नोज़ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, पेट में जलन हो, उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद और गुणों से भरपूर गुलकंद की रेसिपी। ये बहुत ही आसान सी विधि है। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दें, और अब जो बेल बटन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और गुलकंद बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे गुलाब के फूल। ये देसी गुलाब के फूल हैं, तो इन सारे रोज़ पेटल्स को हम अलग कर लेंगे। और अब हम इन्हें 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेंगे, ताकि इनमें जो भी डस्ट है वो निकल जाए। तो इस तरीके से हम 2 से 3 बार इसे पानी से धो लेंगे। ये है गुलकंद बनाने के इंग्रेडिएंट। तो इन गुलाब की पंखुड़ियों को मैंने 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। तो अब हम इन्हें सुखा देंगे एक साफ़ कपड़े के ऊपर, पंखे की हवा के नीचे, ताकि इनमें जो भी नमी है वो निकल जाए। इन पंखुड़ियों को हमें एकदम सुखा लेना है। तो एक कपड़ा लिया है मैंने यहाँ पे, और इस कपड़े पर इन पंखुड़ियों को फैला दूँगी और एकदम अच्छे से इनको सुखा लेना है, बिल्कुल भी पानी ना रहे इसमें। तो ये पंखुड़ियाँ सूख करके तैयार हो चुकी है। अब हम इनका गुलकंद बनाएंगे। तो हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर। तो यहाँ पे मैंने चीनी को मिक्स करने के लिए हाथों का यूज़ नहीं किया है, मिक्सर ग्राइंडर में ही हम चीनी को मिक्स करेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें चीनी। आप चाहें तो पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे दानेदार चीनी ली है। और मिक्सर ग्राइंडर में डालने के बाद हम इसे 5 सेकेंड तक चलाएंगे, जिससे चीनी है जो पंखुड़ियों में मिक्स हो जाए। ये देखिए, सिर्फ 5 सेकेंड ही चलाना है हमें। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। चीनी को नहीं पीसना है हमें, और अगर हम ज़्यादा ग्राइंडर चला देंगे तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो हमें सिर्फ 5 सेकेंड के लिए ही मिक्सी को चलाना है। और अब डाल देंगे हम इसमें शहद। शहद डालने से ये फ़ायदा होगा कि इसमें जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, और गुलकंद में चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो इसमें शहद डालना बहुत ज़रूरी है। तो शहद डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस विधि से गुलकंद बनाने से गुलकंद बहुत कम दिन में बन करके तैयार हो जाता है। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। तो अब हम एक कांच का जार लेंगे। तो मैंने एक साफ़ कांच का जार लिया है, और चम्मच की हेल्प से हम ये जो मिक्सचर है वो जार में डाल देंगे, और इसे हम 15 दिन तक तेज़ धूप में रखेंगे, 4 से 5 घंटे के लिए। और बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे। तो डे बाई डे हम इसे हिलाते रहना है, ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मिक्सचर डालने के बाद हम इसका जार का ढक्कन लगा देंगे, और इसे हम 4 से 5 घंटे तेज़ धूप में रखेंगे, और शाम होने पे हम इसे अंदर ले आएंगे। तो इसे हम शेक कर देते हैं एक बार, कि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए। और 10 दिन की तेज़ धूप लगाने के बाद ये देखिए, गुलकंद काफ़ी हद तक बन चुका है। आप अभी भी इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़े से चीनी के क्रिस्टल्स हैं। और 20 दिन के बाद ये देखिए, मैं जार का ढक्कन खोल रही हूँ, और ये देखिए गुलकंद बनकर के तैयार हो चुका है। है ना मार्केट जैसा गुलकंद। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कई महीनों तक ख़राब नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैंने गुलकंद बनाने की पूरी प्रोसेस आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए